हे आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू न्यू एंट्री स्पेशल वीडियो वीडियो पार्ट पार्ट सो को काफी ज्यादा आप सभी ने पसंद किया सो इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि एंट्री टाइप्स कितने होते हैं एंड देन वन ऑफ द टाइप दिच इज एग्रेसिव एंट्री इसको हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया सो तीन टाइप के एंट्री मेथड्स हैं वन इज द मोर कंजर्वेटिव मैथड अनादर वन इज द मिड कंजर्वेटिव मैथड एंड द लास्ट वन इज द दसिव मैथड सो देखिए जितना ज्यादा हम वहां पर लेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम मार्केट में मिस होगा ये तो फैक्ट है ये लोग जानते हैं कि मोमेंटम में एग्जीक्यूट करेंगे, करेंगे, करेंगे क्योंकि मोमेंटम सही तो कंफर्मेशन को लिया जा रहा है इसलिए मोस्ट प्रिफरेबल जो एंट्री चॉइस होता है वो मिड कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव होता है मेरा स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे तो इट्सिव्रेसिव एंट्री मेथड्स को लिया जाता है लास्ट so, वीडियो में हमने मेथड को देखा कि कैसे हम मेजर ओवरव्यू सबसे पहले एग्रेसिव एंट्री में बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग करंट डे पर अगर कंफर्मेशन आता है तो एग्रेसिव एंट्री को वहां पर एग्जीक्यूट किया जाता है सो एग्रेसिव एंट्री को बनाया जाता है मेजर ओवरव्यू के अकॉर्डिंग बट वी ऑल नो कि मार्केट कैसा है कि आपने ओवरव्यू अगर क्रिएट किया है तो जरूरी है क्या कि आपके ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा आंसर इज नो सम टाइम या मैक्सिमम टाइम या अगर एक जनरल जो ट्रेंड कंटिन्यूशन प्रोबेबिलिटी है इट्स सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट टाइम अगर आप मेजर ओवरव्यू अगर डिफाइन करते हैं तो 60 परसेंट टाइम आप ओवरव्यू को इन द बिगनिंग कि ट्रेंड का जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 होता है कंटिन्यूएशन का सो एनी वन हुडियो सिक्सटी परसेंट प्रोबेबिलिटी तो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन का होता ही है सो ओवरव्यू विल बी ऑटोमेटिकली राइट सिक्सटी टाइम बट इसका मतलब ये नहीं है सिक्सटी टाइम ओवरव्यू राइट है फिर भी हम क्यों लॉसेस करते हैं क्योंकि ओवरव्यू तो राइट होता है ट्रेंड तो 60 परसेंट टाइम कंटिन्यूएशन होता है बट जो हम एंट्री एग्जिट करते हैं तो स्टॉप लॉस ज्यादा बार हिट हो जाता है या रिस्क मैनेजमेंट गलत हो जाता है इस वजह से लॉसेज होता है बट ओवरव्यू अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का देखेंगे तो हमेशा जो एक एवरेज या एक जो रेशियो है वो सिक्सटी है सो ओवर व्यू तो सिक्सटी टाइम राइट होगा बट जब राइट right नहीं होगा तब हम वहां पर क्या करेंगे तो इस चीज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ओवरव्यू के अकॉर्डिंग तो एग्रेसिव एंट्री लेंगे लेकिन मार्केट हम सभी जानते हैं कैसा है मार्केट रिवर्स होगा मार्केट हमारे ओवरव्यू के अकॉर्डिंग कई बार कई केसेस में परफॉर्म नहीं करेगा सो so, आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर हम देखेंगे कि जिन केसेस में नहीं करेगा तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट रिवर्सल पॉइंट या कहां से मार्केट पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग में रिवर्स हो रहा है सो so, कई बार मैंने वीडियोस में कहा है वर्ड को यूज किया गया पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग तो आज के वीडियो में देखेंगे कि पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग एक्चुअल में जब रिवर्सल आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है सो so, बिगिन करेंगे वीडियो को एंड चार्ट के थ्रू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे ओके सो करेंटली हमारे स्क्रीन पर इंडेक्स का चार्ट यहां पर ओपन है एंड इंडेक्स के चार्ट पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस लास्ट पार्ट वीडियो का कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज करेंगे सो so, लास्ट वीडियो में ये पर्टिकुलर दो एग्जांपल को यहां पर लिया गया एंड एग्जांपल्स के बेसिस पर बताया गया कि कैसे एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया जाता है तो वंस अगेन आई विल कंफर्म और इलेबोरेट दी कंसेप्ट हियर कि मार्केट में देखिए ओपनिंग के साथ सबसे पहले जो क्या कंडीशन हो सकता है या तो ओपनिंग के साथ मार्केट क्या करेगा सबसे पहला बाइंग स्विंग बनाएगा और या फिर तो कुछ केसेस क्या होंगे कि ओपनिंग के साथ मार्केट सेल ऑफ हो जाएगा तो ये दो एग्जाम्पल है साइमेंटेनियसली यहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दो ही केसेस देखिए हो सकता है या तो ओपनिंग के साथ मार्केट क्या करेगा कुछ दो तीन कैंडल बाइंग साइड क्रिएट करेगा या ज्यादा भी क्रिएट कर सकता है एंड अनादर वन इसकी सेलिंग साइड गिरेगा इसके अलावा कोई तीसरा लॉजिक वहां पर नहीं है साइडवेज में भी या फिर तो वो ओवरऑल ओपनिंग प्राइस से नीचे होगा या ओवरऑल ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगा सो so, सबसे पहले मार्केट क्या कर सकता है ओपनिंग के साथ या तो बाइंग स्विंग बनाएगा जैसे इस कंडीशन में बाइंग स्विंग बना है तो बाइंग स्विंग बनने के बाद क्या होगा देखिए मार्केट कहीं पर हॉल्ट लेता है कि बाइंग स्विंग चल रहा है तो कंटिन्यूस एप्लीकेबल ऑन एवरी चार्ट और एनी पर्टिकुलर डे तो यहां पर क्या होगा एनी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन और एनी पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन कि मार्केट ओपन के साथ सबसे पहले तो यह बाइंग साइड जाएगा सेलिंग साइड जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा मार्केट कहीं ना कहीं तो रुकेगा हॉल्ट क्या होता है प्राइस का रुकना मोमेंटम का स्लो डाउन होना रेजिस्टेंस फेस करना तो आज के दिन कहां पर हुआ है इस पर्टिकुलर डे पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग में गया तीन चार कैंडल बाइंग साइड बनाया इसके बाद यहां पर हॉल्ट आ गया तो ऐसा हर केसेस में होगा सेलिंग साइड देखेंगे तो क्या हुआ दो तीन ही कैंडल्स मार्केट गिरा इसके बाद क्या हुआ हॉल्ट आ गया अब यहां देखेंगे तो हॉल्ट कहां हुआ है दो कैंडल के बाद हॉल्ट आ गया अगेन एक कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया तो इंट्राडे लो को यहां पर माफ कर देंगे तो हॉल्ट आने के बाद क्या करना है सबसे पहला हो गया बाइंग स्विंग क्रिएशन या सेलिंग स्विंग क्रिएशन इसके बाद हॉल्ट आएगा तो रेजिस्टेंस लेवल को माफ कर देना है कभी भी वी विल नॉट एग्जीक्यूट इन द रनिंग बाइंग स्विंग ये हॉल्ट एनालिसिस का लॉजिक होता है कि कंटिन्यूस रनिंग मोमेंटम में एंट्री को मॉर्निंग इट का पहले स्विंग में एंट्री को नहीं लिया जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है एंड काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हाई होता है सो so, हॉल्ट के बाद एग्रेसिव एंट्री कब लिया जाता है बेस्ड ऑन दी मेजर ओवरव्यू जैसे अभी अगर देखेंगे थर्टी ऑफ जून के लिए तो मेजर ओवरव्यू क्या चल रहा है मेजर ओवरव्यू वी ऑल कैन इजली सी इज ऑन द बाइंग साइड एंड मार्केट ने अपने इन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को यहां पर ब्रेक किया सक्सेसफुल क्लोजिंग दिया एंड आज के दिन ऑफ तो जून को अगर देखेंगे यहां पर तो मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग को क्रिएट किया है तो ब्रेकआउट भी आया है ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो इज द बाइंग साइड सो ओवरव्यू बाइंग साइड हो गया तो बाइंग साइड के ओवरव्यू में एग्रेसिव एंट्री बनाया जाएगा बाइंग साइड का कब बनाया जाएगा बाइंग स्विंग या सेलिंग स्विंग के बाद जैसे ही हॉल्ट करेगा तो हॉल्ट आने के बाद पहले सपोर्ट क्रिएशन पर एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया जाता है तो बाइंग स्विंग हो गया हॉल्ट हो गया अब ये रिट्रेसमेंट हो गया तो रिट्रेसमेंट के बाद जो पहला सपोर्ट होगा वहां पर एग्रेसिव बाइंग पोजीशन को बनाया जाता है सो so, पहला सपोर्ट देखेंगे तो कहां पर आया यहां पर आया तो देखिएगा एग्रेसिव एंट्री डजेंट मीन कि ऐसे ही सपोर्ट लिया और एंट्री बना दिया नहीं सपोर्ट कन्फर्म कब होगा सपोर्ट का कंफर्मेशन या वो सपोर्ट एंट्री ट्रिगर पॉइंट क्या होगा जब सेलिंग कैंडल को वो रिवर्स करेगा या सेलिंग मोमेंटम को रिवर्स करे सपोर्ट बनने के बाद जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया है पूरी रेड कैंडल को रिवर्स कर दिया या तो पूरा कंज्यूम कर जाए या फिर तो 70 80 परसेंट रिवर्स कर दे तभी एग्रेसिवली बाइंग पोजीशन को बनाया जाता है तो ये हमारा एंट्री ट्रिगर पॉइंट होगा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सपोर्ट लिया ग्रीन कैंडल आया बाय कर लेंगे नहीं ये फिर से ब्रेकडाउन भी हो जाएगा तो बेटर ऑप्शन क्या है एग्रेसिव एंट्री का कि एक छोटा सा कंफर्मेशन लेना कि कोई भी सेलिंग कैंडल को दो कंफर्मेशन है या तो सेलिंग कैंडल को रिवर्स करे 70 परसेंट से ज्यादा या फिर तो ये जो पर्टिकुलर सेलिंग स्विंग है सेलिंग स्विंग कहां से कहां तक होगा ये वाले हाई से सेलर डोमिनेट किया है ये पर्टिकुलर लोस तक तो अगर इसको 70% रिवर्स कर देती है बाइंग कैंडल तो भी एग्रेसिव एंट्री बनाया जा सकता है तो ये तो हो गया कैसे एग्रेसिव एंट्री एग्जीक्यूट करना इन द बाइंग स्विंग तो दो केसेस हो सकते हैं पहला केस क्या होगा कि मार्केट यहां पर बाइंग स्विंग के हॉल्ट के बाद यहां पर एग्रेसिव बाइंग को क्रिएट करे तो यहां क्रिएशन हुआ हम यहां एक एंट्री पॉइंट बना सकते हैं एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां रखा जाता है नियरेस्ट स्विंग लो पर तो ये स्टॉप लॉस होगा मार्केट इसको क्या किया यहां सस्टेन किया स्ट्रेंथ मार्केट में सस्टेन हुआ एंड कंटिन्यूशन ऑफ द बाइंग साइड हुआ जो भी एग्रेसिव एंट्री हॉल्ट के बाद होता है उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है इंट्रा डे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अगर एग्रेसिव एंट्री बाइंग साइड लिया गया तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो रखा जाता है वो इंट्रा डे हाई के ब्रेकआउट का रखा जाता है ओके सो हॉल्ट एनालिसिस में मेन लॉजिक क्या होता है देखिए हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पर एग्जीक्यूट करते हैं कि मार्केट्स में एंट्री के बाद यहां पर एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मार्केट यहां पर हायर लेवल्स पर सस्टेन करेगा स्ट्रेंथ कहा जाता है जैसे आज का रेंज अगर यहां माफ किया जाए तो क्या होगा halt लिया तो ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया और जो आज का सपोर्ट होगा तो ये मेजर रेंज है मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं तो देखिए ये जनरल प्राइस एक्शन लॉजिक है कि मार्केट जिन लेवल्स को होल्ड करेगा उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो ये मेजर रेंज है मार्केट किन लेवल्स पर होल्ड किया सबसे पहले सेलर आया तो सेलर तो नीचे गिरा नहीं पाया तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन होता है तो प्राइसेस कौन से लेवल पर होल्ड कर रहा है

तो स्ट्रेंथ का कंटिन्यूएशन कहा जाता है जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल है कि या तो मार्केट देखिए कंटिन्यूएशन स्ट्रेंथ का कंटिन्यूएशन कब होगा जब मार्केट यहां पर ये वर्किंग केसेस है कि स्ट्रेंथ था हायर लेवल्स होल्ड किया बाइंग साइड पर कंटिन्यूएशन हो गया तो या तो पहले मार्केट बाइंग स्विंग बना के कंटिन्यूएशन करेगा स्ट्रेंथ का तो वो ये वाला एग्जाम्पल हो गया और दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि सेलिंग स्विंग के बाद प्राइसेस क्या कर देगा इसको सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर देगा तो यहां पर अगेन स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन हो गया हाई लेवल होल्ड कर रहा है

कि या तो सेलिंग कैंडल को मार्केट वहां पर रिवर्स करे और या फिर तो क्या हो कि वहां पर यह पर्टिकुलर जो सेलिंग स्विंग है सेलिंग स्विंग कहां से काउंट होगा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां तक सेलर ने डोमिनेट किया इंट्राडे लो तक सो अगर ये पर्टिकुलर सेलिंग स्विंग को 70 परसेंट रिवर्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ विल बी कंफर्म इन टू द मार्केट तो यहां पर क्या हुआ है प्राइसेस यहां पर सपोर्ट लिया तो एग्रेसिव एंट्री कैसे प्लान किया जाएगा सपोर्ट बनने पर जो पहला कैंडल सेलिंग कैंडल को रिवर्स करेगा देखिए जैसे यहां पर यह छोटा सा कैंडल बन गया है तो इसका कंजम्पशन वैलिड नहीं होगा कि इसको रिवर्स कर दिया ये तो वैसे ही काफी छोटा कैंडल है तो ये एक सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन नहीं है तो रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनने पर बाइंग किया जाएगा तो ये पर्टिकुलर बाइंग स्विंग आया ये रिट्रेसमेंट आया सेलिंग स्विंग के बाद ये पहला सेलिंग साइड का रिट्रेसमेंट है तो इस पर जब मार्केट सपोर्ट बनाएगा तो यहां पर जब कंज्यूम करेगा सेवेंटी परसेंट से ज्यादा रिवर्स करेगा तो एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया जाता है तो एक बाइंग साइड का एग्जांपल हो गया एक सेलिंग स्विंग का एग्जांपल हो गया कि सेलिंग स्विंग के बाद ये रिट्रेसमेंट आया मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया अब या तो कंफर्मेशन के दो पॉइंट है या तो ये सेलिंग कैंडल को सेवन से ज्यादा रिवर्स कर दे जो इस केस में हुआ है तो हम यहां पर क्लोजिंग पर एंट्री प्लान करेंगे दूसरा क्या है कि ये जो सेलिंग स्विंग है इसको 70 परसेंट रिवर्स कर दे तो अगले सपोर्ट बनने पर हम डायरेक्टली एंट्री प्लान करेंगे तो दो एंट्री प्लान हो सकती थी एक ये एंट्री है एक ये वाला एंट्री है कि ये सेवेंटी ज्यादा रिवर्स हो गया सेलिंग स्विंग तो सपोर्ट बनने पर एक एंट्री है ग्रीन कैंडल पर और दूसरा जो एग्रेसिव है वो तो सपोर्ट बनने पर पहले ही सपोर्ट बनने पर एग्रेसिव एंट्री है तो ये तो एग्जाम्पल हो गया एंट्री का ये वर्किंग केसेस हो गए कि हमारा ओवरव्यू क्या हुआ है, यहां पर कंटिन्यू हुआ है तो लास्ट वीडियो में भी हमने एंट्री को तो डिस्कस किया बट यहां से देखिए कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया और एक दो चीजों को हमने नहीं डिस्कस किया अब देखिएगा कि ये वर्किंग केस हो गया कि बाइंग साइड का ओवरव्यू है तो यहां पर ओवरव्यू व्यू कंटिन्यूशन हो गया है अब यहां पर अगर क्या होता कि बाइंग साइड का ओवरव्यू हमने बनाया और हमने एग्रेसिव एंट्री प्लान भी किया बट ऐसा कई केसेस में भी होगा कि ओवरव्यू गलत होगा और प्राइसेस रिवर्स हो जाएगा तो वो केसेस को कैसे मैनेज करें एंड हाउ टू आइडेंटिफाई पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग वो यहां से फर्दर हम अंडरस्टैंड करेंगे सो देखिएगा ओवरव्यू गलत कब होगा जैसे यहां बाइंग साइड है तो यहां तो सारे दिन क्या हुआ है बाइंग साइड का कंटिन्यूशन हुआ है तो यहां तो ओवरव्यू बाइंग साइड का बनाएंगे एग्रेसिव एंट्री बनाएंगे तो वो वर्क करेगा बट रिवर्सल के केसेस में क्या होगा जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगा तो आपका ओवरव्यू कंटिन्यूएशन नहीं होगा या कई दिन ऐसे होते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है बट फिर भी बाइंग ट्रेंड में कुछ डेज रिवर्सल वाले आते हैं तो वो डेज को कैसे डील करें तो जैसे रीसेंट डे यहां पर दो दिन का अगर बिहेवियर देखेंगे तो रिवर्सल वाला हुआ हुआ है 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 ये पूरा बाइंग ट्रेंड मोमेंटम यहां यहां से हुआ है, से स्लो डाउन एंड थोड़ा मार्केट मेजर ओवरव्यू में रेजिस्टेंस फेस किया है तो सेलिंग आया है तो ये दोनों दिन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ है मार्केट बाइंग साइड का कंटिन्यूशन नहीं किया रिस टू डेज देखें आज का भी दिन देखिए कल का भी ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो क्या हुआ है मार्केट ओपन हुआ बाइंग साइड गया बट स्ट्रेंथ क्या सस्टेन हो पाया हायर लेवल्स पर स्ट्रेंथ का लेवल हुआ क्या नहीं हुआ रिवर्सल हो गया ये तो पहले बाइंग स्विंग का इसके बाद यहां भी देखेंगे तो क्या हुआ सेलिंग स्विंग आया अगेन हायर लेवल्स पर चला गया स्ट्रेंथ कंफर्म हुआ बट इसके बाद हायर लेवल या कंटिन्यूशन स्ट्रेंथ का हो पाया क्या नहीं हुआ तो ये दोनों केसेस क्या है फेलियर केसेस है कि ओवरव्यू के अकॉर्डिंग क्या मार्केट बाइंग साइड जा पाया नहीं जा पाया तो ये फेलियर केसेस हैं तो यहां पर ऐसे डेज भी कई होंगे इवन बाइंग ट्रेंड में भी कुछ डेज आएंगे जहां मार्केट कंटीन्यूअस रिट्रेसमेंट ले लेता है पूरा दिन ही सेलिंग आ जाता है ओपनिंग के साथ बाइंग ट्रेंड होने के बावजूद तो ऐसे डेज को कैसे डील करें सो देखिएगा कि मेनली हमारा एंट्री जो अग्रेसिव होता है वो कब होगा जब बाइंग स्विंग होगा या सेलिंग स्विंग को भी मार्केट रिवर्स करेगा तो ये भी दो एग्जांपल है दो ही केस में हमारा एंट्री हो सकता है अगर सेलिंग चला जाता है तो स्ट्रेंथ तो का कंफर्मेशन ही नहीं आया तो एंट्री तो वहां होगा ही नहीं एंट्री कैसे केसेस में होगा कि मार्केट बाइंग स्विंग बना दिया और इसके बाद अगर हम अपना सेम एंट्री लॉजिक अगर यहां पर एंट्रीज को मैं मार्क करूं तो देखिएगा जो लॉजिक एक्सप्लेन किया गया उसी बेस पर हम एंट्री प्लान करेंगे कि बाइंग स्विंग आएगा सेलिंग स्विंग आएगा तो बाइंग स्विंग आने के बाद हॉल्ट लिया मार्केट हॉल्ट के बाद क्या किया जाएगा एंट्री लिया जाता है पहले सपोर्ट क्रिएशन पर तो पहला सपोर्ट क्रिएशन देखेंगे कहां पर है? यहां पर है ये पहला सपोर्ट क्रिएशन तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट क्रिएशन है मार्केट सपोर्ट लिया एंड सेलिंग स्विंग को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो पहले ही सपोर्ट बनने पर हॉल्ट के बाद क्या किया जाता है एंट्री को एग्रेसिव एंट्री को ले लिया जाता है तो मेजर रेंज देखेंगे इस दिन का क्या बनेगा इंट्रा डे लो तो ऑलरेडी लोअर रेंज हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस पर हॉल्ट पर रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया जाएगा तो ये छोटा सा मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया इसको पूरा मार्केट ने सेलिंग स्विंग को रिवर्स किया है तो एग्रेसिव एंट्री को क्लोजिंग के बाद यहां पर बनाया जाएगा तो एग्रेसिव एंट्री यहां पर क्या हो गया कंटिन्यूशन आज के दिन मार्केट हायर लेवल को इंट्राडे हाई ब्रेकआउट तो हुआ बट हायर लेवल पर स्ट्रेंथ को सस्टेन नहीं कर पाया है तो ये केस क्या हो जाएगा फेलियर केस हो जाएगा स्टॉप लॉस देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक कहां रखा गया है नियरेस्ट स्विंग लो का रखा गया है तो रिवर्सल होगा तो यहां पर एग्जिट हो जाएगा इसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये तो बाइंग स्विंग का फेलियर केस हो गया अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सेलिंग स्विंग बना करके फेल हो जाए तो यहां पर भी क्या हुआ है सेलिंग स्विंग बनाने के बाद अगेन स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन हुआ देन रिवर्स हुआ बाइंग साइड या एंट्री प्लान किया जाएगा क्यों ओवरऑल ओवरव्यू क्या है बाइंग साइड है तो बाइंग साइड का एंट्री प्लान करेंगे एग्रेसिव तो इस दिन क्या हुआ है मार्केट ने सेलिंग स्विंग बनाया है सेलिंग स्विंग के बाद प्राइसेस जहां सपोर्ट लेगा वहां उस सपोर्ट बनते साथ हॉल्ट के बाद एंट्री को प्लान किया जाएगा तो इस केस में क्या हुआ ये हमारा सेलिंग स्विंग है यहां प्राइसेस ने हॉल्ट लिया तो सिंगल कैंडल का हॉल्ट वहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा कोई भी एग्जांपल हो जैसे यहां पर है यहां पर दो कैंडल्स का हॉल्ट है तो दो कैंडल के बाद एंट्री रिवर्स हुआ तो प्लान किया गया यहां पर क्या है सिंगल कैंडल आया तो इसको हॉल्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा एक ही कैंडल लो के बाद ऊपर क्रिएशन हुआ है तो हॉल्ट इसको नहीं मानेंगे तो हॉल्ट कहां क्रिएशन होगा यहां पर होगा तो कभी भी सिंगल कैंडल जो लॉजिक या रूल है कि सिंगल कैंडल को हॉल्ट कंसिडर नहीं करेंगे So, यहां पर मार्केट ने हॉल्ट लिया इसके बाद क्या हुआ है हॉल्ट के बाद सपोर्ट क्रिएशन हुआ दो कैंडल सस्टेन हुआ तो यहां पर कंफर्मेशन हो गया ऑफ दी बाइंग साइड तो बाइंग साइड हो गया तो अगेन अब जो रिट्रेसमेंट आएगा तो वहां पर बाइंग पोजीशन को बनाया जाएगा कि सेलिंग स्विंग के बाद ये रिवर्सल हो गया अब जो पहला सपोर्ट क्रिएशन होगा वहां पर एंट्री को बनाया जाएगा डायरेक्टली यहां पर भी एंट्री सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग पर बनाई जा सकती है लेकिन जैसे कि यह हायर लेवल पर हो गया बाइंग स्विंग के हाई हो गया तो रिट्रेसमेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा है या नियरेस्ट स्विंग लो यहां पर काफी ज्यादा दूर है इसलिए एक और रिट्रेसमेंट का वेट किया जाएगा

मार्केट बाइंग ओवरव्यू में में मेजर ट्रेंड बाइंग है बट बाइंग साइड आज के दिन कंटिन्यूशन हुआ नहीं हुआ यहां भी बाइंग साइड कंटिन्यूएशन हुआ नहीं हुआ तो रिवर्सल के बेसिस पर देखिएगा कैसे कंडीशन में पोजीशन को रिवर्स किया जाता है तो ये दोनों ही कंडीशन में कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा कि रिवर्सल का प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया है। तो कई बार देखिएगा रिवर्सल का जो कंफर्मेशन होता है वो स्टॉप लॉस के पहले आ जाता है कई बार स्टॉप लॉस के बाद आता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा कि स्टॉप लॉस आ गया मतलब फिर तो एनालिसिस कुछ भी सोचना ही नहीं है ये मैं हमेशा कहता हूं कि रिवर्सल का कंफर्मेशन चाहे आए या ना आए स्टॉप लॉस आ गया मतलब है आग बंद करके पोजिशन को एग्जिट कर दो सबसे मेन प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी टू द रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट तो हम आगे भी कर लेंगे और जो लॉसेज है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए यही एज अ ट्रेडर हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए एंड टू बुक दी लॉसेज एट द एक्सपेक्टेड रिस्क रेशियो सो यहां पर देखेंगे तो ये दोनों ही कंडीशन में रिवर्सल हुआ है तो देखिएगा पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग आया है तो ये दोनों केस तो सेलिंग साइड के रिवर्सल के हैं बाइंग ओवरव्यू में ट्रेड लिया गया है तो पैनिक सेलिंग यहां पर आया पैनिक सेलिंग क्या कहते हैं कि अचानक से मार्केट में किसी पॉइंट से जब रिवर्सल होता है या काफी बड़ी बड़ी कैंडल में मोमेंटम होने लगता है तो उसको पैनिक सेलिंग कहा जाता है जैसे ये देखेंगे तो पैनिक सेलिंग है यहां पर क्या हुआ अचानक से काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है और एक क्विक मोमेंटम ऑन टू द सेलिंग साइड हुआ है सिमिलर आज के दिन भी देखेंगे तो क्या हुआ है

अगर बाइंग ओवरव्यू है तो मार्केट देखिए कंटिन्यूअस अचानक से नहीं गिरता है कि सिंगल कैंडल में रिवर्स हो गया है प्राइसेस अगर गिरेगा तो सिंगल कैंडल में क्यों मैक्सिमम केसेस में नहीं गिर गिरता है क्योंकि बाइंग ओवरव्यू चल रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ है जैसे यहां भी क्या है बाइंग स्विंग आया है तो स्ट्रेंथ है यहां भी बाइंग स्विंग आया है तो स्ट्रेंथ है ओवरऑल ओवरव्यू ट्रेंड भी क्या है बाइंग साइड का है तो एक सिंगल कैंडल या कंटिन्यूस मार्केट नहीं गिरता है मार्केट गिरेगा पॉइंट्स में और अगर बाइंग साइड का ओवरव्यू है तो मार्केट गिरेगा तो क्या होगा बायर्स विल बाय द मार्केट तो एक सपोर्ट क्रिएशन होगा और ये सपोर्ट क्रिएशन के बेसिस पर देखिए यहां पर अगर आइडेंटिफाई करें तो सपोर्ट क्रिएशन क्या होता है एक जनरल रिट्रेसमेंट होता है और जनरल रिट्रेसमेंट जब कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जनरल रिट्रेसमेंट नहीं है तब पैनिक सेलिंग आना स्टार्ट होता है तो अगेन इस पॉइंट को मैं रिवर्स करूंगा पैनिक सेलिंग कब आना स्टार्ट होता है पैनिक मार्केट में कब क्रिएट होता है जब जनरल रिट्रेसमेंट सेलिंग आता है तो बड़े प्लेयर्स पैनिक नहीं करेंगे या स्मार्ट प्लेयर्स भी पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरल रिट्रेसमेंट है मार्केट का नेचर है बाइंग स्विंग है तो रिट्रेस करेगा सपोर्ट लेगा फिर बाइंग साइड जाएगा लेकिन जब कंफर्मेशन हो जाए कि बाइंग स्विंग तो था रिट्रेस किया बाइंग साइड नहीं जा पा रहा है रिट्रेसमेंट के बाद तब मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है तो वहां से फिर पैनिक सेलिंग आना स्टार्ट होता है जैसे इन एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे तो क्या हुआ है मोमेंटम फ्लो को नोटिस करिएगा पेस ऑफ मोमेंटम को ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा है पेस ऑफ मोमेंटम कैसे डिफर कर रहा है कि प्राइस बाइंग स्विंग है बाइंग स्विंग के बाद क्या हुआ है रिट्रेसमेंट आ रहा है तो रिट्रेसमेंट आएगा तो जनरल लॉजिक क्या है रिट्रेसमेंट में मार्केट सपोर्ट फेस करेगा तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा सपोर्ट फेस करेगा तो क्या होता है मार्केट का मोमेंटम पेस ऑफ मोमेंटम रिड्यूस होता है मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी डोजी कैंडल बनेगी मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो यहां क्या हुआ है बड़ी बड़ी कैंडल्स में नीचे गिरा अब क्या हो रहा है डोजी बन रही है तो ये साइन होता है सपोर्ट का कि यहाँ मार्केट क्या किया है सपोर्ट लेने की कोशिश किया है ये दो अगर कैंडल ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस क्या हुआ है नीचे गिरा है नीचे गिरने के बाद क्या हुआ है ये कैंडल साइज रिडक्शन क्यों हो रहा है पेस ऑफ मोमेंटम रिड्यूस क्यों हो रहा है एक जो एवरेज साइज के कैंडल में मोमेंटम होता है वो रिडक्शन क्यों हो रहा है क्योंकि गिरते हुए मार्केट में लोग बाइंग कर रहे हैं तो मोमेंटम क्या हो रहा है मार्केट नहीं गिर पा रहा है डोजी और सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो जब यहां से सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ अब बायर जनरल पॉसिबिलिटी क्या है जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि बाइंग ट्रेंड है बाइंग ओवरव्यू है रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट लेगा तो बाइंग साइड जाना है बट जब बाइंग आता है लोग बाइंग करते हैं सपोर्ट मार्केट में देते हैं बट मार्केट में बाइंग मोमेंटम नहीं आ पाता है तो वहां पर पैनिक क्रिएट होता है बाइंग साइड मार्केट क्यों नहीं जा पाता है बाइंग आने के बावजूद क्योंकि ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है तो जब मार्केट यहां से बाइंग साइड नहीं जा पाता है और लोस को ब्रेक करता है तो पैनिक इनटू द मार्केट क्रिएट होता है तो ये सपोर्ट के बाद देखेंगे तो क्या हुआ है पैनिक आना स्टार्ट हुआ है आप कैंडल साइज अगर नोटिस करेंगे पेस ऑफ मोमेंटम नोटिस करेंगे कि एक जनरल कैंडल में कितना मोमेंटम होता है तो वो यहां से क्या हुआ इंक्रीज हुआ है

इसलिए प्राइसेस काफी तेजी से मोमेंटम करता है तो यहां भी सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद पैनिक आया है तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन ही रिवर्सल एंट्री पॉइंट होता है कि शॉर्ट साइड का 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 एंट्री कंफर्मेशन कब होगा या वीकनेस है स्ट्रेंथ जो एनालिसिस किया जाता है कि ये आज का रेंज है मार्केट हायर लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो यहां पर क्या हुआ सेलर ने पुश किया बट बायर अगेन हायर लेवल्स पर नहीं ले जा पाया तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन जो होगा ये लास्ट ट्रिगर पॉइंट होगा कंफर्मेशन पॉइंट होगा कि आज के दिन बॉस अब बाइंग साइड नहीं जाने वाला है वीकनेस कंफर्म हो गया मार्केट सेलिंग साइड का है तो ये वो ट्रिगर पॉइंट होता है सपोर्ट ब्रेकडाउन का पॉइंट होता है ये वाला भी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये तो बाइंग स्विंग के स्ट्रेंथ का हो गया ये सेलिंग स्विंग के बाद अगेन स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल हो गया कि कंफर्मेशन तो स्ट्रेंथ का आ गया एग्रेसिव एंट्री प्लान हो गया बट मोमेंटम देखेंगे तो यहां भी क्या हुआ है अगर जनरल जो प्राइस का बिहेवियर देखेंगे तो यहां पर जो नेचर है कि मार्केट मोमेंटम क्या अब देखिए हर एक रिट्रेसमेंट को ऑब्जर्व करिए पहला रिट्रेसमेंट ये वाला था प्राइस रिट्रेस किया सपोर्ट बनाया तो क्या हुआ ये तो जनरल रिट्रेसमेंट था बाइंग ओवरव्यू है बाइंग साइड कंफर्मेशन है इंट्रा हाई को ब्रेक कर दिया है तो जनरल एक्सपेक्टेशन लोगों का क्या होता है कि प्राइस बाइंग साइड गया तो रिट्रेसमेंट आया तो ये तो जनरल रिट्रेसमेंट है प्राइसेस सपोर्ट लेकर के अगेन बाइंग साइड कंटिन्यू करेगा ऐसे ही तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है हायर हाई हायर लो बट जब एक्सपेक्टेशन फॉल्स हो जाता है कि अब बॉस ये ऊपर नहीं जा पा रहा है और सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो पैनिक क्रिएट होता है तो यहां पर क्या हुआ सिमिलर ये जनरल रिट्रेसमेंट था कंटिन्यूएशन हो गया ये जनरल रिट्रेसमेंट था कंटिन्यूशन हो गया अब इसके बाद क्या हुआ है कि रिट्रेसमेंट अगेन यहां से क्रिएट हुआ बट यहां पर मोमेंटम कहाँ रिडक्शन हुआ सपोर्ट क्रिएशन हुआ यहां पर हुआ इसके बाद क्या हुआ इस पर्टिकुलर मोमेंटम देखेंगे मार्केट नीचे गिरा और यहां क्या हुआ नीचे क्लोजिंग क्यों नहीं दे पाया क्योंकि बाइंग आ रहा है तो पेस ऑफ मोमेंटम गिरते हुए मार्केट में क्या होगा रिड्यूस होगा और अगेन अगर वो पर्टिकुलर सपोर्ट सस्टेन नहीं होता है वहां से पैनिक इनटू द मार्केट क्रिएट होता है तो सेलिंग कैंडल का अगर साइज देखेंगे तो सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद पर्टिकुलर साइज को आप नोटिस कर सकते हैं जनरल रिट्रेसमेंट के के एंड पैनिक आया है सपोर्ट ब्रेकडाउन बाद तो कैंडल साइज नोटिस कर सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़े कैंडल या पैनिक इंटू द मार्केट क्रिएट होता है तो देखिएगा पैनिक सेलिंग को कब ऑब्जर्व किया जाता है पैनिक सेलिंग को ऑब्जर्व किया जाता है बाइंग स्विंग के सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद कि ये था था तो इसका कहाँ कहा पर है ये वाला है तो इसके बाद जो support बनेगा उसके breakdown पर 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 आएगा पहले support breakdown पर maximum cases पर नहीं आता है तो ये पहला स्विंग लो था तो इसके ब्रेक के बाद ही हम देखेंगे कहाँ रिडक्शन हुआ है मोमेंटम का और उसके सपोर्ट ब्रेकडाउन पर एंट्री को प्लान करेंगे तो अगेन रिपीट करूंगा कि ये पहला स्विंग लो है इस बाइंग स्विंग का तो बाइंग मोमेंटम के पहले स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद जो सपोर्ट बनेगा जो यहां पर बना है इसके ब्रेकडाउन पर ये ट्रिगर पॉइंट होता है रिवर्सल का तो कई केसेस में जैसे मैंने कहा कि एग्रेसिव एंट्री अगर हमारा है तो कई केसेस में स्टॉप लॉस के बाद ये रिवर्सल का कंफर्मेशन आया सपोर्ट ब्रेकडाउन आया और कई केसेस में क्या होगा कि स्टॉप लॉस के पहले आ जाएगा या कुछ प्रॉफिट पॉइंट दे पहले आ जाएगा तो इस केस में क्या हुआ स्टॉप लॉस नीचे है और ये पर्टिकुलर बाइंग स्विंग का सपोर्ट कहाँ है स्विंग लो कहां है ये वाला है तो स्विंग लो ब्रेक होने के बाद जो हॉल्ट लेगा तो यहां हॉल्ट लिया यहां सपोर्ट लिया तो इसके ब्रेकडाउन पर पैनिक का कंफर्मेशन है तो ये पर्टिकुलर ब्रेकडाउन आया है तो ये कंफर्मेशन है और स्टॉप लॉस के पहले आ गया है तो पोजीशन को क्या करेंगे एग्जिट कर देंगे तो कम लॉस लेकर के अराउंड ब्रेक इवन पोजीशन को एग्जिट कर दिया जाएगा अब इसके बाद कई केसेस क्या होते हैं कि ये दो केसेस तो रिसेंट डेज का हो गया कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा उसके बाद रिवर्सल आएगा क्योंकि एग्रेसिव एंट्री क्या होता है हमेशा पहले एंट्री प्लान हो जाता है जैसे अगर एक और एग्जांपल एक देखेंगे तो अगर ये पर्टिकुलर डे पर ऑब्जर्व करेंगे अगर ऐसा प्रॉफिट पॉइंट का भी एग्जांपल अगर मैं स्टेट करूं तो एग्रेसिव एंट्री के अकॉर्डिंग एंट्री यहां पर कहां होगा पहला सेलिंग स्विंग है सेलिंग स्विंग का ये हमारा हॉल्ट है हॉल्ट के बाद क्या किया जाएगा मिनिमम दो कैंडल चाहिए और सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री को लिया जा सकता है तो ये सपोर्ट हो गया तो ये हॉल्ट कन्फर्म हो गया ये यहां हमारा रिट्रेसमेंट आ गया तो रिट्रेसमेंट के बाद पहले सपोर्ट पर एग्रेसिव एंट्री को बना लिया जाएगा तो ये सेलिंग स्विंग है मोर देन 70 परसेंट रिवर्सल हो गया या सेलिंग कैंडल को कंज्यूम कर गया तो इसी कैंडल के क्लोजिंग पर क्या हो जाएगा

बाइंग स्विंग का जो सपोर्ट है यहां सपोर्ट था मार्केट ट्रेस किया अगेन कंटिन्यूशन तो अगर वो सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद जो हॉल्ट है वो हॉल्ट के बेसिस पर सपोर्ट ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो पोजीशन को एग्जिट कर दिया जाएगा तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन इसके बाद क्या हुआ मार्केट हायर लेवल को होल्ड नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड नहीं कर रहा है रिवर्सल हुआ बाइंग स्विंग का सपोर्ट भी ब्रेकडाउन किया तो इसके बाद पेस ऑफ मोमेंटम कहा रिड्यूस हुआ है यहां पर रिड्यूस हुआ है तो अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहां पर क्या करेंगे डायरेक्टली शॉर्टिंग पोजिशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा या हमारा बाइंग साइड का पोजिशन ऑलरेडी लिया गया यहां पर तो कुछ प्रॉफिट पॉइंट पर ही पहले एग्जिट कर सकते हैं एंड अगेन सेलिंग साइड का एंट्री प्लान किया जा सकता है अब देखिएगा ये जो पैनिक बाइंग एंड सेलिंग का मैंने एक्टिविटी यहां पर शोकास्ट किया आज के दिन हमने अंडरस्टैंड किया ये काफी अच्छा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी भी है क्योंकि सडन मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है और स्कैल्पिंग के लिए कैसी मेथड चाहिए जिसमें सडन मोमेंटम आए पैनिक मोमेंटम आए और एंट्री के बाद ही एक साथ रिट्रेसमेंट ना आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कैल्पिंग के लिए क्या होती है कि एंट्री लिया एंट्री के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रखना है स्कैल्पिंग में टारगेट बड़ा रखना है ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करनी है तो आप ये जो भी एग्जांपल देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे सेलिंग में क्या है सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ कंटिन्यूस मोमेंटम तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है और यहां पर जो भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया अगर कोई भी एग्जांपल देखेंगे तो जैसे सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद तो काफी यहाँ पर भी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ काफी अच्छा मोमेंटम लिया जा अबाउटिव एंड पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग एक्टिविटी आज के इस वीडियो में यहां पर हमने इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया सो so, तो अराइव या थर्टी मिनट्स में कितनी ही चीजें डिस्कस की जा सकती है So, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 25 फाइव मिनट्स में इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं तो काफी डीप में और चीजों को सीखने के लिए वी हैव डिजाइन द बेस्ट कोर्स टिल नाउ विच इज द टू आवर्स प्राइज एक्शन एडवांस प्रोग्राम 52 टू आवर्स का उसमें आप देख सकते हैं कंटेंट वहां पर प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिक्स मंथ तक उस सेशन को लिया गया है जहां पर 52 टू आवर का रिकॉर्डेड सेशन है सो इट्स बेस्ट कोर्स क्रिएटेड बाय मी टिल डेट एंड काफी बेसिक से एडवांस लेवल तक चीजों को डिस्कस किया गया है इट्स ओनली फॉर दी सीरियस लर्नर हु वांट टू टेक मार्केट एज अ प्रोफेशन और टेक ट्रेडिंग बिजनेस एज अ फुल टाइम करियर सो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप इसको चेकआउट